साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। पुष्प को पढ़ रहे थे अपन, फ्लावर को पढ़ रहे थे अपन, और फ्लावर का एक वीडियो अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो पहले कोई काम नहीं आएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। पुष्प को कंप्लीट ओवरव्यू एक बाहरी रूप से आप समझ लीजिए, उसके बाद में उसके अंदर वाले पार्ट पे अंदर की पोजीशन, स्थिति, एनाटॉमी जैसे स्ट्रक्चर को अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वीडियो है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। पुष्प से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो, और आते ही हैं, एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं इस वाले वीडियो से आपको मिलेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन मैं विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको ईजी वे में सारी बातें समझ में आएगी, पर थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो है। समझने का प्रयास करना और स्थिति को समझने की कोशिश करना, किस तरह से क्या बताना चाह रहा हूँ। देखें, इस वीडियो में अपन इन 8 टॉपिक को कवर करेंगे। और 8 टॉपिक क्या हैं? अपने को जब पुष्प पढ़ लिया तो पुष्प पढ़ने के साथ अपने को इन 8 बातों को समझना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि थैलेमस की स्थिति क्या होती है। थैलेमस के बारे में अपन ने पढ़ा था, पुष्पासन। पुष्पासन जिसके ऊपर पुष्प के सारे आसन, पुष्प के लिए आसन एक तरीके से, जहाँ पर मुख्यतः ओवरी बैठी होती है और बाकी भी पुष्प के जो चक्कर हैं, जो अपन ने 4 पढ़े थे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उनका जो किस प्रकार से जमाव है, जहाँ पर बैठे होते हैं, उस स्थान को पुष्पासन कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। तो उसकी खुद की स्थिति कैसी है? दूसरे नंबर, उसके ऊपर बाकी पुष्प अंगों की स्थिति कैसी है? पुष्प अंगों का मतलब यहाँ पर बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग है। ठीक इसी तरह से सम्मिति कैसी है पुष्प की? सम्मिति का मतलब एक पुष्प को कितने ऐसे तरीके हैं जिससे अपन काट सकते हैं, वो तरीका अपने को पढ़ना है, सम्मिति में आएगा। उसके बाद में अपन ने जो पुष्प की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें एक होता है बीजांड न्यास। ओव्यूल है जो ओवरी है, ओवरी के अंदर का भाग बीजांड न्यास है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेसेंटा कैसा है? उसके बाद में पुष्प के जो चक्र हैं, चाहे बाह्य दल हो चाहे दल, वो कैसे विन्यासित हैं, कैसे अरेंज्ड हैं, उसमें पढ़ेंगे एस्टिवेशन में। और पुंकेसरों का आपस में क्या संबंध है और पुंकेसरों का किसी दूसरे के साथ में क्या संबंध है और पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की पोजीशन कैसे है, इन 8 बिंदुओं को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। एक एक को अपन समझेंगे, आप एक एक को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो पहला पॉइंट है इसके अंदर, देखो पुष्पासन, पुष्पासन की स्थिति या बोल सकते हैं कि थैलेमस की स्थिति कैसी है। अपन ने ये देखा था कि जैसे ये जो भाग था फीमेल पार्ट वाला, इसमें ये ओवरी थी और ओवरी जहाँ पर टिकी थी ना, ये वाला भाग मुख्यतः, इसको अपन ने क्या बोला था, इसको अपन ने बोला था पुष्पासन। ये क्या है? ये थैलेमस है जी। क्या बोला इसको? थैलेमस बोला। अब थैलेमस की सामान्यतः स्थिति क्या होती है कि थैलेमस है और थैलेमस के ऊपर जो पुष्प के अंग हैं ना, वो अंग यहाँ पर व्यवस्थित हैं, चाहे बाह्य दल हो, चाहे दल हो, चाहे पुमंग हो, चाहे जायांग हो, वो कहाँ पर स्थित हैं? वो थैलेमस पर स्थित हैं। पर कई कई बार क्या होता है कि थैलेमस कुछ वृद्धि कर लेता है, इस थैलेमस के अंदर ही कुछ अतिवृद्धि होगी। जैसे मान लो ये है आपका पुमंग वाला पार्ट, मेल वाला पार्ट, ये फीमेल वाला पार्ट, और थैलेमस है ना, यहाँ से इस तरह से कुछ बढ़ गया, ऐसे दागेनुमा संरचना निकल गई। या ये मान लो ये दल है, इस प्रकार से ये दल की थी और यहाँ पर पता चला कि पुंकेश जो है ना, थैलेमस कुछ बढ़ गया ऐसे। तो दाग्य सदृश संरचनाएं ऐसी जो कहाँ बढ़ जाती हैं, जो बढ़ जाती हैं आपके कहाँ पर स्थित हो जाती हैं, जो अलग अलग स्थान पर जो पुष्प के चक्कर है ना, उन चक्करों के बीच में कहीं ना कहीं दाग्य सदृश कोई संरचनाएँ बन जाती हैं, समान संरचनाएँ बन जाती हैं, और उन जो पर्व संधियाँ बन जाती हैं, एक तरीके से मान लो पर्व बन जाती हैं, नोड बन जाते हैं, या कुछ ऐसे नोड टाइप बन जाते हैं बीच बीच में, इस प्रकार से ऐसे गुंडीनुमा संरचना बन जाती है, जिनको क्या बोल सकते हैं अपन, पर्व और पर्व संधियां, नोड और इंटरनोड, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती हैं, उनके आधार पर अपन पुष्पासन की स्थिति को पढ़ेंगे। अब वो कौन कौन सी बनती है, कैसे कैसे बनती है, कहाँ कहाँ बनती है। देखें पुष्पासन के ऊपर 4 स्थान टिके हुए हैं, एक टिका हुआ कैलेक्स, एक टिका हुआ कोरोला, एक है एंड्रोशियम और एक गाइनोशियम। गाइनोशियम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब इन चारों में कहीं ना कहीं से स्थिति क्लियर होगी, चारों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं जो अतिवृद्धि है वो मिलेगी। देखें 3 बातें मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक मैंने लिखा कैलेक्स,
एक मैंने लिखा कोरोला, एक मैं लिखता हूँ एंड्रोसियम और एक लिखता हूँ गाइनोसियम। हो सकता है वो पर्वत कैलेक्स और कोरोला के बीच में निकल जाए, हो सकता है वो पर्वत निकला, पर्व संधि निकली, पर्व निकला, नोड निकला, वो कहाँ निकल गया, कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में निकले, और हो सकता है वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में निकल जाए। इसके अलावा तो होगा ही नहीं ना। ये जैसे मान लो ये एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम, इनके बीच में निकला हो तो इसको ये बोल सकते हैं अपन। ये जो दल और दल के बीच में और ये पुमंग के बीच में निकला है, इसको बोल सकते हैं कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में निकला हुआ। और अगर यहाँ पर ये था क्या, यहाँ मैं बनाऊँ अगर, क्या ये मैंने बना दिया बाह्य दल कैलेक्स, ये कैलेक्स है, ये कोरोला है, तो इसके बीच में अगर कोई ऐसी अतिवृद्धि निकल गई, ऐसा नोड निकल गया, उसको बोला गया कैलेक्स और कोरोला के बीच में है। अब इनके आपको नाम याद करने हैं, इसको जो बोलेंगे, ये जो है इसको बोलेंगे एंथोफोर। एंथर से याद रखना क्योंकि इसमें एंथर है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको बोलेंगे अब एंड्रोपोर, एंड्रोफोर, इसमें एंडो वर्ड आ रहा है तो याद रखना। और इसको बोलेंगे क्या, गाइनोफोर। ये क्वेश्चन आया था 2015 वाली भर्ती में, एंथोफोर पूछा था स्थिति को, 2015 में आया था क्वेश्चन ये। एंथोफोर, एंड्रोपोर और गाइनोपोर, आई बात समझे। गाइनोपोर कौन सी कंडीशन होगी, जब किसके बीच में है, गाइनोपोर का मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच का पर्व, एंड्रोपोर का मतलब कोरोला और एंड्रोसियम के बीच का, कैलेक्स और कोरोला के बीच में एंथोफोर। देखो गाइनो में तो एंड्रो, गाइनो में गाइनो ही आएगा, लास्ट वाला ले लिया, कोरोला और एंड्रो में एंड्रो आएगा, पहले वाले में याद रखना है कि एंथर लेना है, कैलेक्स से ले लिया हो तो कैलेक्स कोरोला के बीच में ये तो आ ही नहीं सकते, एंड्रो गाइनो का तो कोई मतलब ही नहीं है, एंथोफोर आ गया, ठीक है। और कोरोला और एंड्रोसियम में गाइनो नहीं आ सकता और एंथो नहीं आ सकता, क्यों, तो इसमें क्या आ गया, एंड्रो आ गया। और एंड्रो और गाइनो में याद रखना आपको, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आप दिमाग में लगाओगे एंड्रोफोर भी आ जाए, तो लास्ट वाला याद रखना क्या, गाइनोफोर, मतलब नर और मादा है तो मादा ही आई भी रहती है, उसकी ज़्यादा चलती है, तो ऐसा मान लो कि यहाँ ले लिया, गाइनोफोर स्थिति बोलेंगे इसको। एग्जाम्पल याद रखना देखो, या अब इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे कि कैलेक्स और कोरोला के बीच में लंबा पर्व, ऐसे ही ऐसे लिखना, ऐसे इसमें लिख लेना। मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, इसका एग्जाम्पल है साइलीन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल सीधे सीधे लिखा रहा हूँ, मुझे किताब में ही है, हुर। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कनक चंपा। देखो कोई भी काम करते हैं तो प्रभु को याद करते हैं, तो साईं बाबा सबसे पहले, साईलीन याद रखना, साईं, साईं सबसे पहले आ गया, उसके बाद में ये नाम ही लेडीज़ है, कनक चंपा, चंपा नाम है तो यहाँ वाले में आ गया लेडीज़, ये लेडीज़ का ही काम है यहाँ पर। बीच में जो बच गया ना हुर, ये भी आदमी का सा नाम लग रहा है ऐसा मान लो, तो इसको आदमी वाले में आ गया, एंड्रोफोर में, नर वाले में आ गया हुर। एक शब्द इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो गुलाब है ना, गुलाब, गुलाब का जो फूल है उसके अंदर जो पुष्पासन है ना वो कॉनकेव हो जाता है, कॉनकेव, जैसे मान लो ये स्थिति तो है कॉनवेक्स है ना, और ऐसी स्थिति हो जाती है इसकी, तो गुलाब है उसमें कैसा हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है, किसकी, थैलेमस की स्थिति, गुलाब के अंदर कॉनकेव हो जाता है। और कमल का जो पेड़ है ना, कमल का जो पुष्प है, कमल के पुष्प में जो पुष्पासन है उसकी स्थिति हो जाती है लट्टू के आकार की, लट्टू आकार व स्पंजी। मैं सीधा सीधा बुक का उठा रहा हूँ, बुक में मिलेगा आपको, राजस्थान बोर्ड RBSE बुक की बुक चल रही, चलती थी 2 साल पहले, उसमें आप देख सकते हो इजीली, ऐसा कैसा मिलेगा। पुष्पासन की स्थिति में आपको क्या याद रखनी है कि पुष्पासन पर कई कई बार अतिवृद्धियाँ निकल जाती हैं, पर्व और संधियाँ बोलते हैं, जिसके कारण से जो चक्कर होते हैं उन चक्करों के बीच में अतिवृद्धियाँ फंस जाती हैं, और वो जो स्थिति होती है उसके अनुसार अतिवृद्धियों के नाम दे रखे हैं। अगर वो अतिवृद्धि कैलेक्स और कोरोला के बीच में होती है तो एंथोफोर बोलते हैं, कोरोला और एंड्रोसियम के बोलते हैं तो बीच में होती है तो एंड्रोफोर बोलते हैं, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में होती है तो गाइनोफोर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल साइलिन, साई बाबा को सबसे पहले याद रखना, इसमें लेडीज़ का नाम आ रहा है कनक चंपा, और बीच में हुर, कमल और लट्टू के आकार का है ना, कमल का पुष्प देखते हैं तो अपन लट्टू हो जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, कमल और लट्टू के आकार का, और गुलाब उसमें कॉनकेव आ जाएगा, कौन है उसको गुलाब देना, आपको ऐसे याद रख लेना, गुलाब है किसको देना है, कौन है जो गुलाब ले सकता है।
ठीक है, ये वाली स्थिति होगी पुष्पासन की स्थिति। अब देखते हैं पुष्प अंगों की थैलेमस पर स्थिति। पुष्प अंगों की पुष्पासन पर स्थिति तीन देखेंगे अपन पॉइंट। एक होगा हाइपोगाइनस, एक है पेरीगाइनस और एक है एपिगाइनस। हिंदी में बोल दूंगा पर इंग्लिश ही शब्द याद रखना बढ़िया रहेंगे। अधोजायंगता, परिजायंगता और अधिजायंगता, इंग्लिश वाले याद रखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हिंदी वाले सही नहीं रहेंगे। देखो यहाँ पर जो अधो का मतलब होता है, अधो का मतलब, हाइपो का मतलब होता है नीचे, और गाइनस, गाइनस का मतलब होता है गाइनोसियम या क्या जायांग, ठीक है, और इसके अंदर बराबर की स्थिति है, और एपी का मतलब होता है ऊपर। अब देखें यहाँ पर ऐसे जो पुष्प होते हैं उनके अंदर आपको क्या नजर आएगा कि इन वाले के अंदर जैसे मान लो ये अपन बात करें पुष्पासन है और पुष्पासन के ऊपर ये ओवरी है, तो ओवरी इसमें ऊपर रहेगी, ओवरी इसमें ऊपर रहेगी, इस किसके ऊपर, इसके ऊपर वाले पोर्शन पर रहेगी ओवरी, ऊपर रहेगी कहां पर, पुष्पासन के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे पुष्पों में डेवलपमेंट होता गया ऐसा देखा गया कि लगातार जो मान लो ऐसा ही करेक्टर चल रहा है, ओवरी लगातार ऐसे रह रही है, अंडा से लगातार रह रहा है, तो धीरे धीरे नीचे दस्ता जा रहा है, कहाँ पर, पुष्पासन के अंदर दस्ता जा रहा है, और ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि पुष्पासन ऐसे निकल के आ गया और ये अंदर चलेगी। ऐसी स्थिति बोलते हैं उसको, बोलते हैं एपिगाइनस। ये वाली स्थिति को बोलते हैं हाइपोगाइनस, ये वाली स्थिति है हाइपोगाइनस, ये वाली स्थिति है एपिगाइनस, और इन दोनों के बीच की पोजीशन है उसको बोलते हैं पेरीगाइनस। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो अंडाशय है, जो ओवरी है, वो कहाँ होगी, ऊपर होगी, और इसके अंदर जो अंडाशय है, ओवरी है, वो कहाँ होगी, वो नीचे होगी। तो अंडाशय ऊपर है उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस, अंडाशय नीचे है उसको बोलते हैं एपिगाइनस, ठीक है। अब और बात याद रखनी है, अगर अंडा से ऊपर है तो कोई चीज ऊपर है इसका मतलब उसको बोल सकते हैं सुपीरियर, और अंडा से नीचे है उसको बोल सकते हैं इन्फीरियर। तो ये क्लियर हो गई पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की पोजीशन कहां पर है, सुपीरियर है, किसमें, हाइपोगाइनस में, और ओवरी की पोजीशन इन्फीरियर किसमें, एपिगाइनस में। ये ऐसा कह सकते हैं कि प्रिमिटिव करेक्टर है, पहले के फूलों में जो थे वो ये प्रिमिटिव करेक्टर है और ये एडवांस करेक्टर है। पहले नहीं हुआ भाई, आप भी मान लो किसी सोफे है, सोफे के ऊपर बैठते हो आप, तो आप बैठते ही सोफा नीचे थोड़े दब जाता है, आप पहले ऊपर ही हो, लेकिन धीरे 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 आप बैठे रहोगे तो उसके बाद में साइड से निकलने लग जाएगा और अंदर दब जाएगा। तो धीरे धीरे आप कंडीशन कौन सी आएगी, एपिगाइनस, पहले क्या थी, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि जी है ना, जी ओवरी है वो ऊपर की साइड में है और बाकी चक्कर हैं वो जो थैलेमस है वो नीचे की साइड में है, या बाकी चक्कर है नीचे की साइड में। तो इस वाले में कैसी कंडीशन आएगी, इस वाले में ये कंडीशन आएगी। तो पुष्प सूत्र लिखते हैं उसमें जी में इस प्रकार से लिखा है तो उसको ये कहा जाता है, और अगर अंडा से व बाकी सारे चक्कर, अंडा से व बाकी सारे चक्कर कहाँ हों, एक ही लेवल में, तो उसको कहा जाता है पेरीजायंगता। इस प्रकार की स्थिति आ सकती है बीच में, ठीक है। मतलब इसका जो केवल अंडाशय से नहीं ले रहे अपन, अंडाशय प्लस बाकी चारों चक्कर है ना, उनका सबका मेल जोड़ है, तो यहां पर अंडाशय ऊपर रहेगा, बाकी सारे चक्कर नीचे रहेंगे, थैलेमस नीचे ही है, इसके अंदर अंडाशय नीचे चला जाएगा बारिश, बाकी सारे चक्कर ऊपर आ जाएंगे, तो सुपीरियर की जगह इन्फीरियर हो गई, और इसमें अंडाशय बाकी के सारे चक्कर हैं वो एक ही लेवल में रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। आई बात समझ, थैलेमस की स्थिति को ले रहे हैं परंतु चक्करों का ध्यान रखा जा रहा है, चारों के चारों चक्करों का। अब आपको देखो एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल आपको रखना है सरसों और गुड़हल, ठीक है। सर ने हल दे दिया आपको, बढ़िया, सबसे पहले दे दिया, तो सबसे पहले आपको सरसों और हल याद रखना, सर ने हल दे दिया। सबसे लास्ट में आपको याद रखना है
सूर्यमुखी, खीरा। या याद रख लो, तो अगर फैमिली का याद रखो तो कंपोजिटी फैमिली तो इसमें आएगी, कंपोजिटी, और रेनन कुलेसी इसमें आएगी। लिख लेना, ये याद हो जाएंगी। और बीच के अंदर आपको याद रखना है ना, गुलाब और मटर। गुम याद रखना, गुम हो गया कोई चीज़, मतलब ना तो इधर है ना इधर है। तीसरा है सममिति। सममिति के आधार पर पुष्प को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है त्रिज्या सममिति, एक होता है एकव्यास सममिति, एक होता है असममिति। सीधा सीधा बात है, साधारण सी बात है, याद रह जाएगी। ऐसा कोई तरीका जिससे पुष्प को केवल एक ही ऐसा तरीका जिससे दो बराबर भागों में काटा जा सकता है, उसको बोलते हैं एकव्यास सममिति। कई पुष्प की समिति ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा तरीके नहीं होते, केवल एक ही तरीका है जिससे उसको दो बराबर भागों में काट सकते हैं, उसे बोला जाता है एकव्यास समिति। और उसके लिए इस प्रकार के सिंबल का काम काम में लेते हैं। ऐसे कोई तरीके जिससे पुष्प को कई प्रकार से काटा जा सकता है, उसको बोलते हैं त्रिज्या समिति। ये वाली चीज़ है, जैसे मान लो धतूरे का फूल देखना, धतूरे के फूल को लगभग ऊपर का सेम ही होता है, तो आप इस तरह से सेब को देखो। सेब को अगर आपको काटना हो तो ऊपर ऐसा भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, मतलब वर्टिकल अगर आप काट रहे हो तो कई ऐसे तरीके हैं जिसे दो बराबर भागों में काट सकते हो, उसको बोला जाता है त्रिज्या सममिति। जबकि केवल ऐसे पुष्प जिनको एक ही तरीका होता है जिसको दो बराबर भागों में काट सकते हो, वो होती है एकव्यास सममिति। और जिनमें किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से दो बराबर भागों में नहीं काट सकते, उसको बोला जाता है असममिति। याद कैसे करोगे चिन्ह को? एक ही तरीका है जिससे दो बराबर भागों में काट सकते हो, सिंबल में देखो, एक ही तरीका जिससे दो बराबर भागों में काट सकते हो, एक ही तरीका जिससे दो बराबर भागों में काट सकते हो, ठीक है। अब देखो, अपन ने जब अभी पढ़ा था पुष्प अंगों की थैलेमस पर स्थिति, तो बीच में जो आया था परिजायन था, पेरिगाइनस, उसमें अपने पास जो एग्जाम्पल थे उसमें से एक आधा एग्जाम्पल यहाँ लिखो लिखो देखो, मटर है, उसके बाद में आपके गुलमोहर है, उसके बाद में केसिया है, और उसके बाद में सेम है। इनको आपको याद रखना है किसके अंदर? जाइगोमोर्फिक के अंदर, एकव्यास सममिति। और त्रिज्या सममिति के अंदर आपको याद रखना है सरसों, धतूरा और मिर्च। यही एग्जाम्पल है, उससे काम चल जाएगा। सरसों, धतूरा, मिर्च है, ये आपके त्रिज्या सममित हैं, और जाइगोमोर्फिक हैं, उसके अंदर क्या है ये वाली स्थिति है। और एक आता है केना। अभी क्वेश्चन आया था इस बार इस तरह का, 2018 में था ये सममिति वाला क्वेश्चन, देख लेना आप। तो केना है वो किस में है? असममिति के अंदर है। ये सममिति की बात हो गई। अगला पॉइंट लेते हैं प्लेसेंटेशन। चौथा है आपके प्लेसेंटेशन, बीजाण्डन्यास। बीजाण्डन्यास में आपको क्या समझना है कि देखो, ओवरी है, ये ओवरी का डायग्राम पढ़ा था अपन ने, ये वाला ओवरी है, इस ओवरी के अंदर बीजांड डेवलप होता ही है। और ये ओवरी में जो बीजांड है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, किस प्रकार से लगा हुआ है, कहाँ पर बीजांड, कहाँ ओवरी के अंदर कहाँ लगा हुआ है, किस प्रकार से लगा हुआ है, उसके अरेंजमेंट को, उसकी स्थिति को कहते हैं बीजांड न्यास प्लेसेंटेशन। अब देखो, इसके प्रकार पढ़ने और उदाहरण याद रखना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, केवल और केवल उदाहरण समझना और प्रकार। एक प्रकार होता है देखो सीमांत, मैं याद कराता हूं अभी आपको। दो नंबर पे याद रखना आपको स्तंभी है। तीन नंबर प्रकार है आपका वित्तीय। चार नंबर प्रकार है आपका आधार लग्न। पांच नंबर प्रकार है परिवित्तीय। और छह नंबर प्रकार आपका मुक्त स्तंभी है। आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। सीमांत में याद रखना है मटर, चना, सेम। इसके अंदर याद रखना आपको टमाटर। आपको याद रखना है गुड़हल। आपको याद रखना है नींबू। आपको याद रखना है प्याज। वित्तीय के अंदर याद रखना आपको सरसों, मूली। आधार लग्न में याद रखना आपको सूर्यमुखी, मेरीगोल्ड। परिवित्तीय में आपको याद रखना है कमल और जल लिली।
और मुक्त स्तंभीय में याद रखना आपको प्रिमरोज और डाइएंथस। सीमांत स्तंभीय, वित्तीय आधार, लग्न परिवित्तीय और मुक्त स्तंभीय, ये इनके एग्जांपल हैं। अब देखो साधारणतः क्या स्थिति होती है, जो सीमांत वाला है ना, आपने मटर है, चना है, सेम है, इनको निकाला होगा। जैसे मान लो मटर की फली याद होगी आपके, मटर की इस प्रकार की फली है, इसके अंदर इस प्रकार से अंदर लगे होते हैं ये मटर, ये इसका मतलब कहाँ लगे हैं ये मटर जो, या और भी कोई फली है, चने की फली ले लो, सेम की फली ले लो, इसमें सीमा पर लगे हुए हैं ये, याद हो जाएंगे आपको। ये लगने का क्रम ही है, ये अंडा से है ना, अंडा से आगे जाकर किस में परिवर्तित हो गया, अंडा से आगे जाकर फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड आगे जाकर बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बीजांड ही तो है ना जो बीज बन गए, और ये पूरा फली है वो फल है। तो यही तो अपन बताना चाह रहे हैं कि अंडाशय के अंदर बीज, जो बीजांड है उसकी स्थिति कैसी है, कैसा लगा हुआ है, उसी को बोलते हैं बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन। तो सीमा पर लगे हुए देखो ये, उसको बोलते हैं सीमांत। दूसरा स्तंभीय, ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, मार्जिनल भी बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें तो मार्जिनल, मार्जिन पे लगे होते हैं ये मार्जिनल है। स्तंभी है, स्तंभ का मतलब होता है एक्सियल, एक्साइल या एक्सियल बोल सकते हो, स्तंभ पर लगे होते हैं, एक्सियल पर लगे होते हैं। इसके अंदर आपने घर पे देख लेना है, एक का एग्जांपल काट के देख लेना, टमाटर, टमाटर है, टमाटर को जब आप काटोगे ना, टमाटर आपको काट के देखा आपने, टमाटर को आपने काट के देखा तो आपने देखा है कि जो बीज सारे हैं ना वो किस प्रकार से लगे हुए हैं, स्तंभ पर लगे हुए हैं सारे, है ना। ये वाले जैसे मान लो पोजीशन पूरा टमाटर की है, तो इस प्रकार से ये बीजांड इस प्रकार से लगे हुए हैं, ये पोजीशन इसके अंदर मिलेगी, ये वाली स्थिति से आएगी, ये टमाटर हो गया पूरा का पूरा, ये ऐसी स्थिति होती है, उसको बोलते हैं स्तंभीय, एक्साइल बोलते हैं दूसरी वाली स्थिति। तो टमाटर है, गुड़ है, नींबू है, प्याज है, इनके संप के अंदर स्तंभीय स्थिति होती है। अब वित्तीय, वित्तीय याद रखना है सरसों और मूली में, सरसों और मूली कहाँ लगाई जाती है, खेतों में लगाई जाती है। तो मान लो जानवर वगैरह नहीं घुसते ज़्यादातर, मतलब ये सर्दियों में आसानी से आपको याद रह जाती है, सर्दियों में सरसों मूली खूब ज़्यादा लगती है अपने यहाँ पर, तो सरसों मूली लगाते हैं, तो वित्तीय के भीतर भीतर अपन ने सरसों मूली लगा दी, वित्तीय याद रख लेना। ये कहीं ज़्यादातर खूब दूर में लगते हैं, लेकिन सरसों मूली ज़्यादा नहीं लगाई जाती, तो वित्तीय याद रख लेना। अब वित्तीय के अंदर जो आपको है वो डायग्राम किस प्रकार से बनाऊं, देखो डायग्राम एक बना सकते हैं अपन, जैसे ये है पूरा बाउंड्री और इस प्रकार से भित्ति पर लग गई है, ऐसे ये वाली स्थिति होती है इसकी, ऐसे पोजीशन होती है, ये होगी कौन सी, भित्ति है, पेराइटल जिसको बोलते हैं, पेराइटल। आधार लग्न, नाम से पता चल रहा है, बेसल आधार लग्न को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेसल आधार से लगी हुई है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर, ये सिंगल ही होगी ज़्यादातर इस प्रकार के हैं ये, और ये एक एक एक, एक ये जो हैंडअप है, एक ही बीजांड है, ये आधार से लगा हुआ है, उसको बोला जाता है आधार लग्न। तो सूर्यमुखी, मेरी गोल्ड, फूल ज़्यादा नहीं लगेंगे ऐसा मान लो, लगभग फूल की सी स्थिति है, तो फूल है ना, फूल आधार लग्न है, ज़्यादा नहीं है, एक एक ही है। एक स्थिति होती है परिवित्तीय, परिवित्तीय का मतलब वित्तीय पर है पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है ये, और परिवित्तीय के अंदर भी कमल, जैसे कमल के फूल खूब होते हैं, जल लिली भी खूब होती है, तो जल की, जल में जल लिली की मात्रा है, या कमल के आप देखो पानी के अंदर कमल के फूल होते हैं तो खूब ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो परिवित्तीय में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी आपको, ये वाली स्थिति है और इस प्रकार से ये स्थिति मिलेगी, इस तरह से वित्तीय के ऊपर, ये परिवित्तीय होगी स्थिति। सुपरफिशियल याद क्या रखोगे, सुपरफिशियल किसमें, परिवित्तीय। और लास्ट में कौन सा है, मुक्त स्तंभीय, फ्री सेंट्रल। ठीक है, फ्री होते हैं और सेंट्रल होते हैं, फ्री होते हैं और क्या होते हैं, सेंट्रल होते हैं। देखो यहां पर भी आकर बीच में आ रहे थे, तो यहां पर फ्री क्या है, सेंट्रल में है, मुक्त स्तंभीय है, प्राइमरोज है और डाइएंथस है, प्राइमरोज हैं और ये डाइएंथस है, इस प्रकार से मुक्त अलग अलग ऐसे जुड़े में नहीं है, जैसे यहाँ पर ऐसी स्थिति हो सकती है ना, ये वाले पोजीशन है और इस प्रकार से ये है ऐसी स्थिति, मुक्त स्तंभीय, ये किस में है, फ्री सेंट्रल है, सेंट्रल में और फ्री है।
तो प्लेसेंटल बीजांड ओवरी में बीजांड ओव्यूल की कैसी स्थिति है, बीजांड की कैसी स्थिति है, उसके लिए छह प्रकार हैं। आपको नाम याद रखने हैं, उदाहरण याद रखने हैं। सीमांत स्तंभीय, वित्तीय आधार लग्न, परिवित्तीय मुक्त स्तंभीय, ये इसके एग्जांपल है। सीमा पर कौन कौन है, चना मटर सेम मार्जिन पे है। स्तंभ में टमाटर गुड़ल नींबू प्याज। भित्ति पे याद रख लेना, दीवार पे सरसों मूली है। आधार से कौन लगे हुए हैं, सूर्यमुखी मेरीगोल्ड है। परिवित्तीय कौन है, कमल और जलनीली। और मुक्त स्तंभ कौन से, प्रिमरोज और डायंथस। ये इस टॉपिक में क्या पढ़ा जाएगा, पुष्प दल विन्यास में अपन ये पढ़ेंगे कि जो बाह्य दल और दल हैं वो किस प्रकार से हैं, व्यवस्थित हैं। जैसे पांच दल हैं, पांचों के पांचों कैसे व्यवस्थित हैं, या पांच बाह्य दल हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उसको क्या पढ़ा जाएगा पुष्प दल विन्यास में। मतलब एक परिभाषा दी जाए तो एक बाह्य दल का दूसरे बाह्य दल, या एक दल का दूसरे दल के साथ संबंध क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है, पुष्प दल विन्यास कहलाता है। ये टॉपिक में रियल में जो प्लांट है, फ्लावर है, वो लेकर ही बताना चाह रहा था, लेकिन इतने सारे फ्लावर अभी अवेलेबल नहीं है। कभी होंगे तो अपन इसको और स्थिति को क्लियर करेंगे। अभी आप एक बार नोट्स बनाएंगे और सारी स्थिति लिखेंगे तो आपके उदाहरण धीरे 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 याद रह जाएंगे। देखो इसमें आपको नाम आपने सुने होंगे, पांच नाम याद रखना आपको, चार नाम। एक होता है कोर स्पर्शी, जिनके कोर है ना किनारे स्पर्श करें। दूसरे का एग्जाम्पल रखना है व्यावर्तित। तीसरा याद रखना है कोर छादी। और चौथा याद रखना आपको वेक्सिलरी, या इसका कॉमन नाम है पेपिलियोनेसी। ठीक है, कोर स्पर्शी को बोल सकते हो वेलवेट, व्यावर्तित को बोलते हैं ट्विस्टेड, कोर छाती को बोलते हैं इम्ब्रिकेट, और वेक्सिलरी में वेक्सिलरी इंग्लिश वर्ड है अपने आप में, या पेपिलियोनेसी इंग्लिश वर्ड है। नाम से पता चला, देखो ऐसे है ना, कोर स्पर्श कर रहे हैं केवल, एक ये दल है, एक ये दूसरा दल है, एक ये तीसरा दल है, एक ये चौथा दल है, कोर स्पर्श कर रहे हैं केवल इनके, ये कोर स्पर्शी है। व्यावर्तित क्या मतलब, एक का एक भाग ऊपर है दूसरे के, एक भाग नीचे है, इस प्रकार से इसका एक भाग इसके नीचे, इसका एक भाग इसके नीचे, इसका एक भाग इसके नीचे, एक भाग इसके नीचे, इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। कोर छाती के अंदर क्या होता है, कोर छाती के अंदर जैसे एक ये है, फिर एक इस प्रकार से होगा, एक इस प्रकार से होगा, ये ऐसे होगा, और एक वाला, एक तो पूर्णतः अंदर है, एक पूर्णतः ऊपर है बाहर है, एक तो पूर्णतः अंदर है, एक पूर्णतः बाहर है, और बाकी घूमे हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे, कोर छादी बोलेंगे। और इसके अंदर ध्वजा की सी आकृति बन जाती है, एक तो इस प्रकार से है, दो ये हैं, और एक ये संयुक्त है, ये दो, मतलब दो तो जुड़े हुए हैं और दो अलग अलग हैं और एक स्थिति है, इसको बोलेंगे क्या, वेक्सिलरी या पेपिलियोनेसी। ये किसका अरेंजमेंट है, ये दल का या बाह्य दल का। अब इनके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सरसों और बबुल, सरसों और बबुल, मैं ट्रिक से याद कराऊंगा देखो इनको भी। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं गुड़हल, कपास और भिंडी। इसके याद रखने हैं आपको केसिया और गुलमोर। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है मटर सेम चना, चना मटर सेम लगभग एक ही आएंगे, अभी पढ़ा था अपने सीमांत वाले में, ये आते हैं चना मटर सेम। अब देखो एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको लिख लेना है, उसको याद कर लेना है। देखो किसी की शादी है और शादी में क्या बोला कि सब को ब्याव का गुड़ भी, शादी में आए थे औरतें तो सबको ब्याह शादी है ना उसका गुड़ भी ले जाना है, ये सबको ब्याव का गुड़ भिंडी। आगे देखो एक लाइन और लिखना, लिख लेना फिर याद हो जाएगी, कोर का कोर के गुल और पापी चना मटर सेम, ये दो लाइनें ही रट लेना देखो, इससे आपको पुष्प दल विन्यास याद हो जाएगा, पुष्प दल विन्यास। सबको,
सरसों बबुल, को का मतलब कोर स्पर्शी, स ब को कोर स्पर्शी, व्याव व्यावर्तित, क्या कपास गुड़ भिंडी, इसका मतलब व्यावर्तित, इसका मतलब कोर स्पर्शी, स का मतलब सरसों, ब का मतलब बबुल है, को का मतलब कोर स्पर्शी, ठीक है। व्याव, व्याव में व्यावर्तित है, का मतलब कपास है, गुड़ का मतलब गुड़ी है, भी का मतलब भिंडी है, कोर का मतलब कोर छादी, तीसरे नंबर का कोर छादी, के का मतलब केस यार, गुल का मतलब गुलमोहर, कोर के गुल, और पापी कौन है, चना मटर सेम, पापी है ये, पापी याद रख लेना, पेपिलियोनेसी में पापी, वैक्सीन भी याद रख लेना, वैक्सीन भी डर लगता है ना, तो वैक्सीन और पापी याद रख लेना, चना मटर सेम, चना मटर सेम, तो सबको ब्याव का गुड़ भी, कोर के गुल और पापी चना मटर सेम, सबको ब्याव का गुड़ भी और कोर के गुल और पापी चना मटर सेम। देखो अगला पॉइंट है, पुंकेश्वर का संसंजन, कोहेशन ऑफ स्टेमन, समझना। सामान्यतः क्या होता है, जब अपने डायग्राम पढ़ा था तो ये आपका जैसे स्त्रीकेशल वाला भाग है, फीमेल वाला पार्ट है, ये जैसे अपने देखा था मेल पार्ट है, ये पुमंग है, ये पुंकेश्वर मान लो, ये एक स्टेमन हो गया, दूसरा स्टेमन, तीसरा स्टेमन, चौथा स्टेमन। सामान्यतः क्या होता है कि सारे के सारे जो स्टेमन है ना वो पृथक होते हैं, पर कई कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जैसे मान लो किसी पुष्प के अंदर 10 स्टेमन हैं और 10 के 10 स्टेमन हैं एक साथ जुड़ गए, ऐसे जो सारे के सारे स्टेमन है ना इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते हैं और सारे के सारे स्टेमन इस प्रकार से जुड़कर और उसके बाद में इसके ऊपर एक 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 नली सी बन जाती है, ऐसे ये मान लो एक पाइप है, इस पाइप के अंदर सारे के सारे फिट हो गए, तो उन स्थिति को कहा जाता है कि पुष्प पुंकेसर है ना स्टेमन है आपस में जुड़ गए, उनका कोहेशन हो गया, उनका संसंजन हो गया, आपस में जुड़ गए, वो बॉन्ड बना लिया उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति होती है उसको बोलते हैं पुष्प पुंकेसरों का संसर्जन। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आने वाले से हैं इसीलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब देखो ये 5 स्थितियाँ हो सकती हैं, पहली स्थिति देखना आप, मोनाडेल्फस, पहली स्थिति देखना मोनाडेल्फस, दूसरी स्थिति देखना डाइडेल्फस, दूसरी स्थिति है डाइडेल्फस, तीसरी स्थिति देखना आप पोली डेल्फस, चौथी पोजीशन होगी सिंजेंसियस और पांचवी पोजीशन होगी सिनएंड्रस। ये शब्द इंग्लिश में याद रखने आपको उपाय नहीं है कोई, हिंदी में याद रखो तो एक संगी पुंकेसर, द्विसंगी पुंकेसर, बहुसंगी पुंकेसर, उसके बाद में युक्त संगी पुंकेसर, युक्त कोशी भी बोल सकते हो, और उसको बोलते हैं संयुग्मी पुंकेसर। मोनाडेल्फस का मतलब मान लो उसके अंदर 5 हैं 7 हैं 10 हैं कितने भी स्टेमन हैं, सारे के सारे स्टेमन एक ही ट्यूब में घुस गए, एक ही जगह, मतलब आपको बाहर से नजर आ रहा जैसे एक ही ट्यूब है, फिर अंदर से खोला तो पता चला कि इसके अंदर तो पुंकेसर कितने हैं, 10 हैं, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं मोनाडेल्फस। और मोनाडेल्फस में आपको याद रखना है कपास, भिंडी और गुड़हल, कपास भिंडी और गुलहन। अभी अपने जो ट्रिक पढ़ी थी उस ट्रिक में अपने को क्या था कि सब को ब्याव का गुड़ भिंडी, तो ये जो लास्ट का था ना ब्याव, ब्याव किसका है, ब्याव यास ऐसे रख लेना कि ब्याव अकेले का है, मोना का है, मान लो ब्याव, कोई मोना नाम की लड़की बुरा मत मानना, मोना का ब्याव है, तो मोना का है क्या, ब्याह है, तो आगे का जो याद रख लेना, ये मोना याद रख लोगे तो कपास और गुड़ भिंडी, ये व्यावर्तित का एग्जाम्पल भी था और ये यहाँ पर एग्जाम्पल है इसका भी, मोना का भी, तो मोना डेल्फस में एग्जाम्पल आ जाएगा कपास भिंडी और गुड़ल, गुड़ल का देख देख लेना आप, जो गुड़ल का पुष्प है ना उसमें आपको ऐसे ट्यूब से नजर आएगी और उस पूरी ट्यूब के अंदर हैं ये बहुत सारे क्या स्टेमन, और बाहर आपको थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे निकले के नजर आते हैं, ये देख लेना आप, चाहे तो डायग्राम है गुड़ल तो मिल जाएगा इजीली, इस तरह से निकले होते हैं, इसको बोलते हैं मोना डेल्फस। दूसरा होता है डाइडेल्फस, डाइडेल्फस के अंदर आपको याद रखना है सेम और मटर, दाई, दाई याद रखना, दाई माँ होती है ना, तो जो आपने पापी पढ़ा था वहां पर जो पेपिलियो शब्द था, पापी शब्द था, वेक्सिलरी वैक्सीन शब्द था, उसके आगे जो एग्जांपल आ रहे थे सेम चना मटर, ये सब किस में आते हैं, पापी में आते हैं, डाइडेल्फस में, ठीक है, डाइडेल्फस में आते हैं सेम मटर और चना,
पोली, पोली के अंदर देखो आपको नाम से पता चल जाएगा, सेम मल है एक तो, एक है नींबू है और नींबू के साथ में एक संतरा। नींबू संतरा सेमल इनको देखोगे तो अंदर से पोली से नजर आते हैं, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे मान लो आपको दबा सकते हो, जो मतलब जो जमीन है ना वो ऐसे पिलपिले से नजर आते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो सेमल है, नींबू है, संतरे हैं, उसमें पोली है अंदर से। ये वाले में एग्जाम्पल याद रखना, सेमल, नींबू और संतरा के अंदर पोलीडेल्फस। उसके बाद में सिंजेंसियस, ये एग्जाम्पल पूछा था, ये एग्जाम्पल आया था 2015 में, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है सूर्यमुखी और ट्राइडेक्स। मैं सारे किताब के एग्जाम्पल करा रहा हूँ और कुछ नहीं करा रहा, सूर्यमुखी और ट्राइडेक्स आपको एग्जाम्पल याद रखना है सिंजेंसियस में। और सिनेंड्रस में आपको एग्जाम्पल याद रखना है, दो लिख लेना, एक एग्जाम्पल है आपके कुकरबिटा और एक एग्जाम्पल आपके खीरा। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, मोनाडेल्फस का मतलब एक ही ट्यूब बनी जिसमें सारे के सारे स्टेमन हैं, डाइडेल्फस का मतलब कि मान लो कि 10 स्टेमन हैं, 10 में से 8 हैं वो एक ट्यूब में हैं और दूसरा 2 हैं वो किसी दूसरे नली में निकल रहे हैं। पोली का मतलब बहुत सारी ट्यूब बनी है जिनके अंदर हर में एक एक दो दो, एक एक दो दो क्या निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं क्या, स्टेमन निकल रहे हैं। और सिंजेंसिस स्थिति का मतलब कि जो परागकोष है ना, इसका मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लिख लेना, परागकोष संयुक्त। यहाँ पर जो स्थिति क्या होगी कि परागकोष संयुक्त हैं परंतु पुतंतु पृथक हैं। ऊपर से परागकोष जुड़े हुए हैं लेकिन नीचे पुतंतु है ना, जैसे मान लो ऊपर की ये डब्बी है, इसके अंदर ये सारे के सारे एंथर, ये सारे के सारे एंथर हैं लेकिन ये बाहर ऐसे खुले हुए हैं। तो परागकोष तो जुड़े हुए हैं लेकिन पुतंतु मतलब फिलामेंट है ना वो तो अलग अलग हैं, और परागकोष क्या हैं वो जुड़े हुए हैं। और पुंकेसर अगर पूरी लंबाई में जुड़े हों, पूरा ये इतना भी बाहर नहीं हो, पूरी लंबाई में जुड़े हुए रहते हैं, उस स्थिति को कोला बोला जाता है सिनेंड्रस। और वो किस में मिलती है, कुकरबिटा के अंदर, खीरा के अंदर, खीरा और कुकर के अंदर। कुकर में मान लो खीरा है ना, खीरा और कुकर ये भी पूरी लंबाई में जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं सिनेंड्रस। 5 प्रकार है पुंकेसरों का संसर्जन, मोनाडेल्फस, डाइडेल्फस, पोली और सिंजेंसिस और सिनेंड्रस। लास्ट पॉइंट है पुंकेसरों का आसंजन। इतनी देर आपने क्या देखा कि जो पुंकेसर हैं, स्टेमन हैं, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब पुंकेसर आपस के बजाय किसी दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर पुंकेसर किसी दूसरे से जुड़े होते हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं एडेशन ऑफ स्टेमन। पुंकेसरों का किसी दूसरे के साथ जुड़ाव, और पुंकेसरों का दूसरे के साथ जुड़ाव में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। 3 बातें याद रखनी है आपको, एक याद रखना है एपिपेटलस, एक नाम याद रखना है आपको एपिफाइलस, और एक याद रखना है आपको गाइनेंड्रस। नाम से पता चल जाएगा, देखो आपको एपिपेटलस, इसके अंदर क्या होगा, जो पुतंतु होगा एपिपेटलस के अंदर, जो पुतंतु है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो दल से जुड़ा हुआ है। पेटल नाम आ रहा है ना, पेटल, पेटल का मतलब होता है दल, तो एपिपेटलस का मतलब कि पुतंतु है, मतलब जो फिलामेंट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिलामेंट जुड़ा हुआ है किसके साथ में, दल के साथ में, पेटल के साथ में। तो अगर पेटल के साथ में फिलामेंट जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एपिपेटलस, ठीक है। अगला देखो, जब पुतंतु किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है परिदल के साथ में। आपको अगर पिछला वीडियो याद है तो मैंने ऐसा बताया था कि अगर बाह्य दल और दल, कैलेक्स और कोरोला कई बार समान स्थिति के होते हैं, समान ही होते हैं, कलर सेम होता है दोनों का, तो ऐसी परिस्थिति में उनको अपन सेपल और पेटल नहीं टेपल बोलते हैं, और टेपल का मतलब यहाँ पर पेरियंत होता है, परिदल होते हैं। तो परिदल से जुड़ा हुआ है कौन, पुतंतु, उसको बोलते हैं एपिफाइलस, और नाम से पता चला तीसरे वाले के अंदर क्या है, गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस का मतलब क्या हुआ कि पुतंतु है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, पुतंतु जुड़ा हुआ है जायांग के साथ में, गाइनोसियम के साथ में जुड़ा हुआ है। पुतंतु किसके साथ जुड़ गया, पुतंतु का मतलब होता है फिलामेंट, फिलामेंट किसका पार्ट है, ये बात है स्टेमन का, तो फिलामेंट है किससे जुड़ गया, दल से, दल का मतलब पेटल से, तो फिलामेंट अगर पेटल से जुड़ गया उसको बोला जाता है एपिपेटलस। अगर फिलामेंट किससे जुड़ गया, अगर फिलामेंट जुड़ गया किससे, पेरियंथ से, तो इसका क्या बोलेंगे, पेरियंथ,
पेरियंथ को क्या बोल देंगे, एपिफाइलस बोल देंगे। और अगर जो फिलामेंट है वो किससे जुड़ गया, फिलामेंट है आपके जुड़ गया किससे, गाइनोसियम, गाइनोसियम से जुड़ गया तो उसको क्या बोला गया, गाइनेंड्रस। एग्जाम्पल याद रखना आपको, क्या धतूरा है और आलू है, देख लेना चाहे तो, धतूरा और आलू। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है प्याज और लहसुन, लहसुन। कई परिवार ऐसे होते हैं, परी से याद रखना, कई परिवार ऐसे होते हैं, कई परिवार ऐसे होते हैं, कई परिवार ऐसे होते हैं जिनमें प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, लहसुन प्याज नहीं खाते। तो परिदल नाम जहाँ आए ना, या पी नाम आया जहाँ आए, फाइल नाम आए, तो कई फाइलम कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता, एग्जाम्पल याद रखना ये, ठीक है। और गाइनेंड्रस में एग्जाम्पल याद रखना आपको, गाइनेंड्रस में याद रखना आँख, आँख है ना, आंकड़ा, उसमें क्या है गाइनेंड्रस प्रकार होता है, और पहले में धतूरा और आलू, ठीक है, आद्य प्रकार की कोई चीज़ होती है, प्रिमिटिव प्रकार की। तो धतूरा और आलू याद रखना एपिपेटलस में, और गाइनेंड्रस में याद रखना ये आँख। और इसमें तो याद रह जाएगा कई परिवार ऐसे होते हैं जो कि प्याज और लहसुन नहीं खाते। ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही काम का, आप ढंग से उसको नोट्स बनाना, उसके बाद एक एक चीज़ों को हाईलाइट कर लेना, फिर खुद मिला के पढ़ना। और आपको अगर ज़्यादा समझ में और लेना है समझ में, तो आप RBSC की बुक उठा लेना, उसके अंदर 21वां चैप्टर है पुष्प, फ्लोवर, 11वीं किताब में, उसको भी डिटेल से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, अपन एक बार 2 मिनट रिवीजन करते हैं। देखो थैलेमस की स्थिति कैसी है, सबसे पहले अपन ये देखा कि थैलेमस कैसे स्थित है, और थैलेमस की स्थिति है उसमें आपको ये समझ में आ गया, कुछ कुछ कई की जगह पर थैलेमस कुछ नोड्स के रूप में निकल के आ जाता है। तीन चार प्रकार देखे थे अपने, तीन प्रकार देखे थे इसमें। पुष्प अंगों की थैलेमस पर स्थिति कैसी है, हाइपोगाइनेस है, एपिगाइनेस है, पेरिगाइनेस आपने देखा। उसके बाद में आपने सम्मिति में देखा, क्या देखा आपने, एक्टिनोमोर्फिक है, जैगिनोमोर्फिक है, ये वाली स्थिति देखी थी। उसके बाद में आपने प्लेसेंटा देखा था 6 प्रकार का। उसके बाद में 4 प्रकार का आपने एस्टिवेशन देखा, यहाँ पर सबको गुड़ का, गुड़ ब्याव वाला एग्जाम्पल अपने लिया था। पुंकेसर कैसे जुड़े होते हैं वो अभी अपन ने देखा, मोना है, डाई है, पोली है, डेल्फस वाला, और पुंकेसरों का जुड़ाव कैसा है वो अपन ने देख लिया। आसंजन कैसा है, दूसरे के साथ में एडेशन कैसा है वो अभी अपन ने देखा, एपिफाइल। और पोजिशन ऑफ ओवरी अपन ने देख लिया था कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर है अगर हाइपोगाइनस है स्थिति तो, और ओवरी इन्फीरियर है अगर स्थिति कैसी है, एपिगाइनस प्रकार की स्थिति है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, दूसरी यूनिट कंप्लीट होती है, नेक्स्ट अगले यूनिट को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।